आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भगवान भक्तमाल में से एक और भक्त की कथा आपको सुनाएंगे, जिनका नाम है भक्त सुरथ। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री नाभाजी महाराज की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, कल हमने एक ऐसे राजा की और एक ऐसे राजकुमार जिसका नाम है भक्त सुधन्वा, उनकी कथा सुनी। अब आज उन्हीं के सुधन्वा के एक बड़े भाई हैं, उनकी कथा को हम श्रवण करेंगे। सुरथ चंपकपुरी के राजा हंसध्वज का पुत्र और सुधन्वा का भाई था। अनुज सुधन्वा के मारे जाने पर वह रणक्षेत्र में आकर अर्जुन से बोला, पार्थ अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। जब उनके छोटे भाई सुधन्वा वीरगति को प्राप्त हो गए, तब वे युद्ध के मैदान में आए और अर्जुन से इस प्रकार से कहते हैं, अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। तत्पश्चात सुरथ ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवकी नंदन, अब आप अर्जुन की अच्छी प्रकार से रक्षा कीजिए। फिर सुरथ ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। सुरथ और श्री अर्जुन में बहुत ही भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इधर से बाण वर्षा सुरथ करते हैं और उस तरफ से दूसरी तरफ से अर्जुन करते हैं। उनकी वीरता और उनका रण कौशल देखकर भगवान कृष्ण समझ गए और वे अर्जुन को वहां से 3 योजन दूर हटा ले गए। परंतु धन्य है सुरथ, अर्जुन की विशाल वाहिनी को क्षण मात्र में तितर बितर कर तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने क्षण भर में ही अर्जुन की सारी सेना को तितर बितर करके सीधे अर्जुन के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अर्जुन को फिर से युद्ध के लिए ललकारा। जहां श्री हरि विराजमान थे, अर्जुन और सुरथ के बीच घोर युद्ध होने लगा। अर्जुन ने एक सर्वदेवमय बाण से सुरथ के बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा कुंडलों से सुशोभित विशाल सिर को एक पल में उनके शरीर से अलग कर दिया। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की कि सुरथ का जो कटा हुआ सिर था वह उछलकर अर्जुन के ललाट में जा लगा, जिसके आघात से वे अर्जुन मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वह सिर भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर पड़ा। तदंतर भक्तवत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बैठाया और सुरथ के सिर को दोनों हाथों से उठाकर बड़े प्रेम से देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर यह कहते हुए कि इसके समान कोई योद्धा नहीं है। अर्जुन भी उस युद्ध के मैदान में राजकुमार सुरथ की बड़ी बड़ाई करने लगे, युद्ध स्थल में उसकी वंदना की। सुरथ की भक्तराज सुरथ की जय हो, भक्तराज सुरथ की जय हो, ऐसा अर्जुन बार बार कहने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, पक्षीराज वीरवर,
सुरथ के सिर को लेकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। इस सिर के स्पर्श से मेरा वह प्रयाग भी पवित्र हो जाएगा। प्रयाग मेरा कोष है, अतः इस वीर के रत्न रूपी सिर को उस कोष में डाल दो। श्री गरुड़ जी भगवान ने भगवान से आज्ञा ली और उनको प्रणाम करके उस सिर को लेकर के उड़े और प्रयाग में आकर के गरुड़ जी ने जैसे भगवान ने किया था ऐसे ही कर दिया। भगवान शिव ने सुरथ के सिर को अपनी मुंड मालाओं में पिरो लिया। धन्य है सुरथ और धन्य है उसकी वीरता एवं श्री कृष्ण की भक्ति। धन्य है हमारे देश में ऐसे ऐसे सपूत, पहले हमारे जो पूर्वज हैं उत्पन्न हुए इस पृथ्वी पर, इन सब को हम बार बार प्रणाम करते हैं। धन्य है ऐसे भक्तों की और धन्य है ऐसे भगवान की। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ